नमस्ते दोस्तों, आज हम ड्राई फ्रूट से लड्डू बनाने वाले हैं। ये बहुत ही हेल्दी है और साथ ही बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 कप मखाना ले लेना है। इसे हम 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इसका जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। अब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितना घी। घी बहुत ही कम ही डालना है दोस्तों। अब इसे हम पका लेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना बन जाए। अब आप देख सकते हैं ये बनके तैयार हो चुके हैं, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो सके। अब उसी पैन में हम डाल देंगे 1/2 कप बादाम। इसे भी 5 से 7 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें 1/2 कप काजू। यहाँ पर मैंने जो टुकड़ा काजू मिलते हैं वो लिए हैं। इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे फिर से 1 टेबलस्पून जितना घी और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। घी डालने से इसमें जो एक फ्लेवर आता है वो बहुत ही बढ़िया आ जाता है और साथ ही बादाम भी अच्छे से फूल जाती है। अब आप देख सकते हैं ये बनके तैयार हो चुके हैं, तो हम इसे भी सेम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं जिसमें हमें मखाना निकाल के रखा है। अब आप देख सकते हैं ये पैन में थोड़ा सा घी बचा हुआ है तो मैं और ऐड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ 1/4 कप पिस्ते डाल दिए हैं और इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये जल्दी से रोस्ट हो जाएंगे तो 5 मिनट में ये बनके तैयार है। तो सारी चीज़ों को हम सेम प्लेट में ले लेते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। उसी के बाद हम इसे डाल देंगे मिक्सी जार में। ये जब भी आप पीसे तो ध्यान रखिएगा कि हम छोटा वाला मिक्सी जार ही यूज़ करेंगे ताकि हमें बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर मिले। अगर आपको एकदम ही फाइन पाउडर चाहिए तो आप इसे छानकर भी ले सकते हैं। मैंने इसे छाना नहीं है दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फाइन पाउडर बनके रेडी हो चुका है। एक बार इसे अच्छे से मिला लेते हैं और देख लेते हैं, अगर कोई बड़े टुकड़े हैं तो हम इसे पीस लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो चलिए अब हम गुड़ का पाक बना लेते हैं। 1/2 कप ले लेना है घी और साथ ही हम डाल देंगे 1/2 कप जितना गुड़। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे। एक बार घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गुड़ को अच्छे से मिलाते रहेंगे और ये अपने आप ही अच्छे से पिघल जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने पहले ही गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलना। अब इस गुड़ के मिश्रण को हम ड्राई फ्रूट्स के पाउडर में डाल देते हैं। ये फ़िलहाल बहुत ही गर्म होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा हम इसे करछी की मदद से ही अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसमें अभी अपनी हथेली नहीं डालनी है क्योंकि मिश्रण बहुत ही ज़्यादा गर्म है दोस्तों। बस अच्छे से हम इसे एक बार मिला लेंगे। अगर आपको ये स्टेज पर घी थोड़ा कम लगे तो आप घी को गर्म करके डाल सकते हैं। इस मेजरमेंट से ये मेरा अभी परफेक्ट बना है दोस्तों। 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे सौंठ पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये अब काफ़ी ठंडा भी हो चुका है। अब दिखाए गए तरीके से हम इसके लड्डू बना लेते हैं और हमारे यमी ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनके तैयार है दोस्तों। है ना ये बहुत ही इजी पीजी और झट से बनने वाली रेसिपी। तो इस रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को कुछ नया और हेल्दी ज़रूर से खिलाइएगा। जब बच्चों की एग्ज़ाम्स चल रही हो तभी भी आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। ये शरीर में स्फूर्ति देता है और साथ ही पौष्टिक और ताकतवर भी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे दोबारा ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।